गोपाल लड्डू गोपाल, इनको जो है गर्मियों में जो उनको कैसे नहलाए, चंदन या मुल्तानी मिट्टी आदि से इनका फेस पैक बना के इनको कैसे नहलाते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसी खाली छोटी सी प्लेट ले लें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और ये जो मुल्तानी मिट्टी के कुछ टुकड़े हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं इनको प्लेट के अंदर डाल के ऐसे ऐसे घोल लें हाथ से। इसी तरीके से हाथ से घोलते जाएं इनको, ये पूरी मिट्टी पानी में मिल जानी चाहिए और भगवान जी को ठंडी लगनी चाहिए। थोड़ा सा हाथ में पानी ले लें, इसके अंदर ये जो हमारा गोपी चंदन आता सफेद चंदन वो है जो हम अपने हाथ पे ऐसे घिसेंगे। घिसने के बाद इसको रख दें और जो ये उतरा है इसको ऐसे हाथ से लेकर प्लेट में ऐसे ऐसे डाल दें। थोड़ा और पानी ले और थोड़ा सा सफेद चंदन और मिलाए। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करें और ये नॉर्मली जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं थोड़ा सा चंदन पाउडर इसके अंदर मिक्स कर लें। इतना सा आपको इसके अंदर चंदन पाउडर मिक्स करना है। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने भगवान जी को खाली प्लेट में बिठा दें, भगवान को जो नहाते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला करें इनको। और अब धीरे धीरे से सारे शरीर पर के सारे शरीर पर ये लेप लगाएं। धीरे धीरे आराम से भगवान जी को ही लगाते जाएं। आराम से इनके शरीर पर आराम से मालिश करें। चंदन का फेस पैक है जो मुल्तानी मिट्टी का, ये गर्मियों में बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए भगवान जी को रोज इससे स्नान करानी चाहिए।
उनको प्लेट में बिठा ले और आराम से धीरे धीरे उनको नहला है। हमारे भगवान जी तैयार हो गए हैं, मैंने उनको चंदन लगाया है, उनका तिलक लगाया है, अब मैं उनको उनकी पोशाक पहनाऊंगा। ऐसी पोशाकें पहनानी चाहिए ताकि उनको गर्मी ना लगे। अब उनको मैं उनके हाथों के जो फूले कंबल वो पहना दिखा रहा हूँ। उनको इयररिंग पहना हुआ उनके कानों की। उनको उनका हार पहना हुआ। जो उनको और उनके जो बालों का वेट है वो साथ में पहना। देखिए माँ ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं उनको ये फैदर लगाने जा रहा हूँ। हमारे ठाकुर जी रेडी हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर आगे से आगे जरूर शेयर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।